अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ आओ। और देर लगा दिया थोड़ी सी। इनसे मिलिए, अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली मियां। इस्माइल। इस्माइल मियां अस्सलाम वालेकुम। और ये हसन। हसन मियां आदाब। बैठिए। हम आपको जानते हैं इमरान। हमारे इंस्टीट्यूट से है। एजुकेशन सेंटर से। हाँ, आईटी एक्सपर्ट है, सोचा साथ ले लें, काम आ सकते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी कबीर जी, हमें आपके साथ देकर बड़ी खुशी होगी। अरे नहीं नहीं, आप यहाँ आए, हम शुक्रगुजार हैं आपके। वैसे कबीर मियाँ, बताओगे हमें क्या मदद चाहिए और क्यों बुलाया हमें? आप तीनों ने तो ये लफ्ज जिहाद सुना होगा। जी हाँ। क्या हम पूछ सकते हैं आप लोगों के लिए जिहाद क्या है? या जब कोई आपसे जिहाद कहता है तो आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या बात आती है? कौम की हिफाजत करना। अली मियाँ आप? जी कबीर मियाँ, जिहाद का मतलब हमारी कौम के लिए जंग करना? नहीं नहीं नहीं, जिहाद का मतलब होता है इंसानियत को बचाना। अल्लाह की सबसे प्यारी बनावट इंसान है, और इंसान को बचाना जिहाद है। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जो कहता है कि एक इंसान को बचाना मतलब आपने पूरी इंसानियत को बचाया। सारा ये बहुत मुश्किल है, 7 दिन में एक अनजान खूनी को पकड़ना कैसे होगा? हम जानते हैं रीमा, मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी है, लेकिन रीमा हमें हमारे खुदा पे भरोसा है। वो जरूर कुछ ना कुछ करके ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिस पर चलकर कबीर नीलोफर के खूनी को ढूंढ लेगा और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सच की हिमायत करना, सच के लिए दुनिया से लड़ना एक जिहाद है। हम जानते हैं कि हम जिस रास्ते पर चलने वाले हैं उस पर बहुत सारी रुकावटें हैं, हो सकता है कि जान का भी खतरा हो, लेकिन जो हक पे होता है ना उसका साथ अल्लाह जरूर देता है। आज हमने आप सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया? जिहाद करने के लिए। क्या जिहाद एक बेगुनाह इंसान को बचाना है? क्या आप तीन ये बात को यहीं ख़त्म करेंगे? ये बात बाहर नहीं जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कबीर मियाँ, हम वैसे लोग नहीं हैं, वरना इमरान हमें आपसे कभी नहीं मिलवाते। तो वादा रहा कबीर साहब, बेगुनाहों को बचाने की जिहाद में हम आपका पूरा साथ देंगे। इस काम में हमें तुम तीनों का साथ चाहिए। वादा करो कि तुम तीनों हमारा साथ दोगी। खाओ कसम। हम कसम खाते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं बाजी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन है जारा को बेकसूर साबित करने में, और आज हमारा सबसे पहला दिन, तो आज हमारा काम शुरू होता है। पर कबीर, जारा के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उसका कोई सबूत भी है क्या? इंस्पेक्टर पांडे के पास 3 सबूत है जारा के खिलाफ। सबसे पहली दलील कि नीलोफर को जहर देकर मारा गया था, और उसे लगता है कि जारा ने उसे यह जहर दिया है क्योंकि जारा के उंगलियों के निशान उसे वहां मिले थे। और गौर करें, जारा हमारे साथ हमारे घर पर थी और वो अस्पताल गई थी मगर नीलोफर के इंतकाल के बाद। पर सीसीटीवी फुटेज कहती है जब कोई बुरखे वाली औरत नीलोफर के वार्ड में आई थी तब रात के 12:30 बज रहे थे। अच्छा, तो मतलब अगर हम उस बुरखे वाली औरत को ढूंढ ले तो अपने आप उस खूनी का पता लग जाएगा। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो बुरखे में थी और उसने नकाब पहना था, कौन पहचान पाएगा। मगर इंस्पेक्टर पांडे की दूसरी दलील थी जहर का जो इंजेक्शन था उस पर जारा के उंगलियों के निशान मिले। कैसे? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है रीमा, हमने जरूर किसी ऐसी चीज को पकड़ा होगा जिस पे हमारी उंगलियों के निशान आ गए होंगे, और साजिश करने वाले ने वो चीज नीलोफर के वार्ड में पहुंचा दी ताकि नीलोफर के खून का इल्जाम हमारे सर पर आ जाए। लेकिन तेरे उंगलियों के निशान उसके पास कैसे है? रीमा, हम जब किसी चीज को पकड़ते या छूते हैं ना तो उस पे हमारी उंगलियों के निशान आ जाते हैं। हमने भी ऐसी किसी चीज को पकड़ा होगा और साजिश करने वालों को हमारी उंगलियों के निशान मिल गए होंगे। जारा, तू मेरी दोस्त नहीं है। मतलब ये कि तू लड़कियों की जेम्स बॉन्ड है। कितना चतुर दिमाग है तुम्हारा। अब हमारी बात गौर से सुनो। पांडे की तीसरी दलील अस्पताल का वार्ड बॉय। इंस्पेक्टर पांडे का कहना है कि वो वार्ड बॉय ने जारा को अस्पताल में आते हुए देखा, मगर बात तो यह है कि जारा वहां गई नहीं थी, तो उसने किसको देखा? उस वार्ड बॉय में ना मन की आंखों में चश्मा पहना होगा, इसलिए तो उसे दिखाई दे गई। क्या है रीमा? सीधी सी बात है कि उस वार्ड बॉय को झूठ बोलने के लिए पैसे दिए गए होंगे। सही बोला तूने। अगर किसी तरह हम उस वार्ड बॉय को पकड़ लें तो हम बड़ी आसानी से
इस खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंच जाएंगे। जारा बाजी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो वार्ड बॉय कौन सा था जिसने आपके खिलाफ गवाही दी? देखो, उसने पैसों के लिए गवाही दी है, तो अब वो पैसों की वजह से सामने भी आएगा। मतलब? हमारा मतलब ये है कि हमें एक ऐसा वार्ड बॉय ढूंढना है जिसने हाल में ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हो। रीमा, तुम तैयार हो ना? अरे हम तो पैदा ही तैयार हुए थे, तुम लोग ब्लड गाओ। शरीर में जितना खून नहीं उससे ज्यादा यही हम पे खून डाल रही है। क्या बात कर रहे हैं रीमा बाजी, अल्लाह की मेहरबानी से आप तो खूब तंदुरुस्त हैं। अच्छा, और पता हम क्या सोच रहे हैं कि हम किसी पे धोबी पछाड़ मार के ना अपनी तंदुरुस्ती का परिचय दे ही दे। रीमा, हम इसलिए आए ना यहाँ। अच्छा ठीक है, तुम करने क्या वाली हो? हे भगवान, देखिए हमारे जुल्मी ने हमारे साथ क्या किया, हम तो बर्बाद हो गए, हमने अपनी कलाई काट दी। बस बेवकूफों की मधुबाला, इतनी ओवर एक्टिंग मत करना। ये सब अच्छी तो करी। हाँ बहुत अच्छी करी, अंदर दिखाना, जल्दी चलो। इमरान अली है कहाँ? अभी तक पहुंचा नहीं। वो उस वार्ड बॉय का पता लगाने गया है जो नीलोफर की मर्डर वाली रात यहाँ ड्यूटी पर था। वार्ड बॉय का पता चल गया, नाम ज्ञानेश्वर मिश्रा, इस वक्त सेकंड फ्लोर पर है। सेकंड फ्लोर पे, चलो चलो इमरान। चल मिश्रा, सेल्फी ले ले रे। माशाल्लाह, इतना महंगा फोन। तुम्हें पता हमारे पास भी ये वाला फोन नहीं है। बहुत खूब यार, इमरान अली देखो इसे। हाँ, तो इसमें आपसे क्या मतलब? हमसे तो मतलब है जनाब, क्योंकि हम तुमसे बात करना चाहते हैं। चलो चलिए। हाँ चलते हैं। इतनी जल्दी क्यों? जल्दी है ना, तभी तो बोल रहे हैं, चलिए आइए। ए ए रुक, या अल्लाह कितना खून बह रहा है रीमा बच्ची का। कोई वार्ड बॉय को बुलाओ। वार्ड बॉय जल्दी आओ, वरना हमारी रीमा बच्ची मर जाएगी। रुको 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 रुको, मरे हमारे दुश्मन और तुम दोनों क्या वार्ड बॉय चला रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ, प्लान का सत्यानाश करना है क्या? ज़्यादा समझा? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही आप? हम अपना गला ठीक करने की कोशिश करें। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम जख्मी है? जख्मी, जाके किसी को बुलाइए। भगवान हमें बचाओ, कुछ तो करो भगवान, कुछ तो करो। यही रुकिए, हम अभी डॉक्टर को लेके आते हैं। चाहिए, चाहिए, चाहिए। अगर डॉक्टर साहब को पता चल गया कि हम नाटक कर रहे, तो इसीलिए तो हम वार्ड बॉय को पुकार रहे थे। हम कितने ज़हीन हैं ना सकीना। ओह, तुम दोनों आइंस्टाइन के नवासी हो, ज़्यादा तुम अपना दिमाग मत चलाओ। पहली बात तो ये पब्लिक हॉस्पिटल है और यहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं एकदम टाइम लगा के आते हैं, कभी टाइम पे नहीं होते। तो जब तक वो आएंगे तब तक तुम दोनों को वार्ड बॉय को ढूंढ ही लोगे। तो जाओ। अच्छा सुनो, वो वार्ड बॉय है ना, जो सबसे ज्यादा अमीर वार्ड बॉय दिखेगा ना, समझ लेना वही हमारा शिकार है। जाओ 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 जाओ। हे भगवान, जिस हॉस्पिटल में मरीज को जहर देके चला जाए कोई, कितना लापरवाह है ये हॉस्पिटल। कहीं डॉक्टर मेरा ही ऑपरेशन ना करते, बचा लेना भगवान जी। अरे बहुत अच्छी फोटो आती है मिश्रा के मोबाइल से, नया नया खरीदा है, काफी महंगा लग रहा है। अरे लगता है उसने अपनी सारी पगार डाल ली अपने फोन में। हाँ, पगार की है कि घुस की है? अच्छा सुनिए, ये मिश्रा जी कहाँ मिलेंगे? मिश्रा जी कौन, वार्ड बॉय? हाँ वही 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 वही, वो सेकंड फ्लोर पे। हम अभी आते हैं। थैंक यू। जारा, 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 वो मिश्रा जी है ना, वो वार्ड बॉय, वो सेकंड फ्लोर में। जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। ए रोक, तेजी तोड़। रीमा, जारा नया फोन इसी के पास है, यही है मिश्रा। मिला? नहीं गया ये।
भाग गए तो। ज़ारा। 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 अरे आगे भी तो कुछ बोल, क्या सारा सारा नाम की तस्वीर पढ़ रही है? अरे तू मुझे क्यों डांट रही है, देखना कितना तेरा है। चल यहाँ से चलते हैं। चल। अरे नहीं रीमा, तू चुप कर, हमें लग रहा है वो यहीं कहीं छुपा है। कोई नहीं है, चल चल चल। मिश्रा देखो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस हमें सच सच बताओ कि तुम्हें ये सब करने पे किसने मजबूर किया। मिश्रा तो वही वर्ड है। हामिद साहब इधर ही खड़े रहो, दरवाजे पे नजर रखो, दरवाजे पे नजर रखो, कोई आए तो आवाज देना। तुमने हाथ कहीं लगाया? अपना हाथ कहीं लगाया? रीमा तुमने अपना हाथ कहीं लगाया? कपड़ा ढूंढ कपड़ा। अली कोई आ रहा है? चलो भूख लगी है, शुरू करते हैं भैया। दो और भेजना। अरे पागल वागल हो क्या? इतने भयानक दृश्य के बाद किसका खाने का मन होगा? जा वापस। तुम मत कहो हम खा रहे हैं। अरे तुम हमें दो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ हम डर के मारे मरे जा रहे हैं, ऊपर से तुम्हें खाने की पड़ी है। भुक्कड़ कहेंगे दो हमें। छोड़ छोड़ो, हमें जब ज्यादा डर लगती है ना तो हमें ज्यादा भूख लगती है। कभी समझाओ ना इसे। तुम चुप रहो, तुम छोड़ो। आओ हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हमें खाना नहीं खाना, और तुम हमें बताने की जहमत करोगी कि तुम वहां गई क्यों थी? कबीर हम हॉस्पिटल उस वार्ड बॉय से मिलने गए थे ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था ज़ारा, मजाक नहीं है ये। कबीर लेकिन क्यों नहीं जाना चाहिए था? हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा था, हमारा मुस्तकबिल खतरे में था। तुम क्या चाहते हो हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते? समझ है कोई, इतनी बड़ी मुसीबत थी हम सबके सर पे, एक नई मुसीबत आ गई, अब कैसे लड़ेंगे? कबीर तुम्हें अकेले लड़ना ही क्यों है? हम तुम्हारे साथ हैं, हम मिलकर लड़ेंगे। तुम हमें अकेले बेगुनाह साबित करने चले गए। अरे दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा ना, और हमें लगता है कि खुदा भी यही चाहते हैं, इसलिए तो हम दोनों के दिमाग में एक जैसा आइडिया आया। ब-
बात समझने की कोशिश करो। अरे जरा खून हुआ है अभी, जिस कत्ल के गवाह की मौत हुई अभी, तुम्हें पता लोग क्या कहेंगे? उसने निलोफर के खूनी को देख लिया था, इसलिए उसकी जुबान बंद कर दी गई। और उसके बाद क्या होगा पता है? सबकी उंगलियां तुम्हारी तरफ उठेगी। जी फरमाइए। इसी नंबर पर भेजिए और होल्ड कीजिए। माशाल्लाह भाई बहुत खूब, आपने तो काबिले तारीफ काम किया है। ये लड़की तो हमारे सारे काम खुद ही आसान कर रही। अब आपको क्या करना ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ एक बात का ख्याल रखिएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ जारा को चोट पहुंचानी है। अभी कभी इस समय बहुत सारे काम लेने बाकी हैं। अल्लाह हाफिज़ जारा से देखिए। अब 7 दिन तो क्या, 7 सालों में भी तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाओगी। मोहतरमा आपने खुद अपने हाथों से अपनी कब्र ऐसी खोदी है कि अब तो अल्लाह ही खैर करे। कबीर अब तुम ही बताओ हम तुम्हें कैसे समझाएं? हमारी वजह से एक बेगुनाह की मौत हो गई, हम निलोफर को नहीं बचा पाए। तुम जानते भी हो दुख के क्या पहाड़ टूट रहे हैं हमारे ऊपर। देखो हम जानते जो कुछ भी हुआ आज नहीं होना चाहिए था, बहुत मुसीबतें आने वाली हम पर। तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहेंगे 7 दिन के अंदर। कबीर हमें तुम पे भरोसा है, लेकिन हमें तुम्हारी फिक्र है, उसका क्या? हमारी वजह से वो वार्ड बॉय मारा गया, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम जानते हो इस शहर में तुम्हारे कितने दुश्मन है, हम दोनों के कितने दुश्मन है। मगर किसी ना किसी को जोखिम उठाना पड़ेगा ना जारा। एक बात हम बार बार नहीं समझा सकते तुम्हें, थक चुके हैं हम। इमरान एक काम करो, तुम समझाओ, तुम अपनी जुबान में समझाओ, क्योंकि हमारी बात तो समझ ही नहीं है। तुमने जो किया वो गलत नहीं था इमरान, मगर कबीर भी सही कह रहा है। वो तो अल्लाह की मेहरबानी थी हम सब पे, वरना हम सब अभी जेल पे बैठ के रो रहे होते। सुनो तुम भी बैठ जाओ, चलो खाना खा लेते कुछ। हमें नहीं खाना है। आओ अभी बैठो तो। देखो कबीर अभी वो नाराज है, तुम उससे आराम से बात कर लेना। वैसे तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी उससे, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम उसका दिल मत दुखाओ। एक सेकंड, तुम्हें लगता है हमें शौक है उसका दिल तोड़ने का, सबके सामने ऐसी बातें करने का? मगर हम सब जानते हैं कि कितनी बड़ी गलती की उसने अस्पताल जाकर। समझते है कबीर, तुम खाना खाओ ना। क्या हुआ? अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज हमने कहाँ चेक किया था? वहां से जारा को कैसे निकाले?